हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11th चैप्टर आपका मैं कंप्लीट करवाऊंगा। याद रखिएगा, ये जो आपका 11वां चैप्टर है संस्कृत भाषा कक्षा 8वीं, सभी प्रश्नों के उत्तर देखने को आपको इसमें मिलेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानी। सबसे पहले हम एक प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न आपका है, संपत्तो विपत्तो चा केसाम एक रूपता। ये एक पद वाला है, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर लिखना रहता है। ये मित्रों, संपत्तों का मतलब होता है संपत्ति और विपत्तों का मतलब होता है विपत्ति, मतलब कि संकट और सुख, दो यहाँ पर शब्द इसके अर्थ निकल रहे हैं। केशाम एक रूपता, मतलब किनकी एक रूपता, मतलब समानता होती है। तो यहाँ पर आपको समझना है प्रश्न को कि सुख और दुख में किनकी एक रूपता होती है, तो उत्तर बताएंगे आप मेहताम, और मेहताम का मतलब होता है बड़े लोगों की, मतलब महान लोगों की। संपत्तों चा विपत्तों चा मेहताम एक रूपता, इस प्रकार से आपको श्लोक यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखिए, अस्त समय सूर्यस्य वर्णः का भवति। अस्त समय का मतलब होता है अस्त होते समय, और किसकी बात है, सूर्य की। वर्ण मतलब होता है रंग, का भवती कैसा होता है, भवती भू भव धातु है, इसमें होना के लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ताम्रहा अर्थात लाल, उदय होते समय भी सूरज लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। अस्त समय सूर्य वर्ण का भवती, यहाँ पर अस्त समय की बात पूछिए तो आप लाल बताएंगे, और अगर उदय आप से पूछ लिया जाए उदय समय सूर्यस्य वर्णः का भवति, तो भी आप ताम्रा ही लिखेंगे, क्योंकि लाल, ताम्र मतलब तांबे के रंग जैसा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नरत्वम दुर्लभम कुत्र। मानव जन्म कहां कठिनता से प्राप्त होता है, नरत्वम दुर्लभम कुत्र, मतलब कहां पर। तो लोके, लोके का मतलब होता है संसार में, ठीक है, संसार में। और पूरा कैसे बनाएंगे, नरत्वम दुर्लभम लोके, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, केश्याम वसुदेव कुटुंबकम, किनका सारा संसार परिवार होता है, ठीक है। तो आपको उत्तर बताना है उदार चरिता नाम, मतलब उदार हृदय वालों का, जिनके हृदय में दया का भाव रहता है, ठीक है, जिनके प्रवृत्ति जो है परोपकार की प्रवृत्ति रहती है, दूसरे का हेल्प मत करने की प्रवृत्ति रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को उदार बोला जाता है, ठीक है। तो उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, इस प्रकार से। केश्याम को हटाकर आप उदार चरिता नाम लिखकर पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, किनका संसार सारा परिवार होता है, तो उदार चरित वालों का, अर्थात उदार हृदय वालों का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परार्थयः वृक्षः कानि यक्षन्ति, दूसरों के लिए वृक्ष क्या देते हैं, ठीक है। वृक्ष मतलब वृक्ष, परार्थ दूसरों के लिए देते हैं फलानी, ठीक है, फल देते हैं। अब यहाँ पर जो फलानी शब्द आपको दिया है, ये आपका बहुवचन रूप है, बहुवचन याद रखना है, कौन सा रूप है, बहुवचन है। फलम फले फलानी, फलम फले और फलानी, फलम एक वचन है, फले द्विवचन है, और फलानी बहुवचन है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत या एक वाक्यन उत्तरम लिखत। ये सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति, कदा कदा का मतलब होता है कब कब, भवति का मतलब होना है, ताम्रा मतलब तांबे जैसा लाल, वर्ण मतलब रंग, और सूर्यस्य मतलब सूर्य का, ठीक है। तो याद रखिएगा मित्रों, इसमें आपको बताना है सूर्यस्य वर्णः ताम्र उदये अस्त काले च भवति, मतलब कि जो सूर्य है उसका रंग एक तो उदय होते समय और एक अस्त होते समय कैसा होता है, तो ताम्र अर्थात कि लाल होता है, उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत्यः कोशः कस्मात् क्षयमायाति, मतलब विद्या का खजाना कैसे घटता है, विद्या जो है उस क्षय का मतलब यहाँ पर होता है ह्रास या कमी आना, ह्रास या कमी, ठीक है। तो भारत
कोशः कस्मात् क्षमयाति, विद्या का जो खजाना होता है वो कैसे घटता है, तो इसमें आपको बताना है। भारत्यः कोशः संचयात् क्षमयाति, विद्या का खजाना एकत्र करने पर घटता है, विद्या का जो खजाना है वो क्या होने पर, एकत्र करने पर घटता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे अगर आपको विद्या प्राप्त होती है, आप कुछ सीख जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार कर देना चाहिए, आपको दूसरों को बता देनी चाहिए, सिखा देना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। और अगर आप सिखा दोगे तो वो विद्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम बिल्कुल विद्या का जो खजाना है वो एकत्र करके रखेंगे तो वो एकत्र नहीं होगा, वो घट जाएगा, घटता है। और अगर हम सीख कर सिखा देंगे तो कहने का मतलब है वो विद्या हमेशा बढ़ती रहेगी, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृक्षाणाम स्वभाव की दृशः, वृक्षाणाम वृक्षों का या पेड़ों का स्वभाव मतलब स्वभाव की दृशः मतलब कैसा, ठीक है, तो वृक्षों का जो स्वभाव है वो कैसा होता है, तो उत्तर में आपको बताना है वृक्षाणाम स्वभाव सत्पुरुषा इव, सत्पुरुष अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, जिन्हें सज्जन भी बोला जाता है। तो वृक्षाणाम स्वभाव सत्पुरुषा इव मतलब पेड़ों का जो स्वभाव है वो सज्जन जैसा होता है, जो सज्जन लोग होते हैं उनके जैसा होता है, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखिए, न्यायात्पतः पदम अपि केन विचलन्ति, न्यायात्पतः मतलब पथ का मतलब तो रास्ता होता है, मार्ग होता है, ठीक है, रास्ता होता है पथ का मतलब, या फिर हम कह सकते हैं मार्ग होता है, ठीक है। न्याय न्यायात्पथ, तो यहाँ पर न्याय का पथ, ठीक है, तो न्याय का जो पथ है उससे एक कदम भी कौन कौन नहीं हटते हैं। पदम अपि केन विचलन्ति, कौन नहीं हटते हैं, तो आपको बताना है उत्तर में कि न्यायात्पतः पदम अपि धीरा न विचलन्ति, धीरा ओनली एक शब्द आपको याद रखना है, धीरा। अब इस धीरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है धीर वीर गंभीर, ठीक है, अर्थात धैर्य धारण करने वाले, ठीक है, धैर्यवान हम कह सकते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, धीरज धारण करते हैं, वो जो व्यक्ति है न्याय के मार्ग से एक कदम भी पीछे नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर माप इसी प्रकार से लिखेंगे, न्यायात्पतः पदम अपि धीरा न विचलन्ति, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, लोके विद्या की दृशी, तो संसार में विद्या कैसे प्राप्त होती है, तो उसमें आप बताएंगे लोके विद्या सुदुर्लभ अस्ति, संसार में विद्या बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, ठीक है, कैसे प्राप्त होती है, कठिनता से। तो कठिनता को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, ठीक है, इस प्रकार से आप बताएंगे सुदुर्लभ। इसके बाद आप कुछ संधि विच्छेद आपको मैं बताऊंगा इस आपके पाठ के क्वेश्चन नंबर 3 के संधि विच्छेद, देखिएगा, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो, कोशो अयम, तो कोशः धन अयम, किस प्रकार से इसका बनेगा, कोशः धन अयम, ये संधि विच्छेद होगा। यथेष्टम, तो इसका बनेगा यथा धन इष्टम, ठीक है, फलान्यपि, फलानी धन अपि, ठीक है, फलानी धन अपि, ठीक है। अब इसके बाद में युगांतरे, युग धन अंतरे, युग धन अंतरे, युगांतरे, इस प्रकार से इसका बनेगा। इसके बाद में आपको श्लोक को जो पूरा करना है वो श्लोक भी मैं पूरा करवाता हूँ, देखिएगा, श्लोकम पूर्यत, श्लोक पूरा करो, तो ये जो आपको दिया गया है ये मैंने आपके लिए बता दिया है, ठीक है, ये आपको फिल करना है, बाकी ये तो पहले ही दे रखा था, ठीक है। तो देखो जो श्लोक है वो आपका इस प्रकार है कि वीणा वेदम, वीणा गीताम, वीणा रामायणी कथाम, वीणा कविम कालिदासम, भारतम भारतम नाही, ये आपका है इस प्रकार। अब आपको जोड़ी